नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट फोर, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अतीक अशरफ के हमलावरों को लेकर प्रतापगढ़ पहुंची पुलिस, सख्त सुरक्षा के बीच में दो प्रिजन वैन से लेकर पहुंची है पुलिस। मीडिया कर्मियों को जेल गेट पर ही रोका गया है। अतीक अशरफ के हमलावरों को लेकर के प्रतापगढ़ पुलिस की टीम पहुंची और सख्त सुरक्षा वहां पर है। दो प्रिजन वैन से पुलिस की टीम यहां पर लेकर के पहुंची हुई है। खबर यह कि मीडिया कर्मियों को जेल गेट पर ही रोक दिया गया है, आगे जाने की अनुमति मीडिया कर्मियों को नहीं है। सख्त सुरक्षा का पहरा वहां पर है। दो प्रिजन वैन में वहां पर लेकर के टीम पहुंची है पुलिस की। ये बड़ी खबर इस वक्त। तीनों हमलावर प्रतापगढ़ में है। इस वक्त पुलिस की टीम तीनों को लेकर के प्रतापगढ़ पहुंची और वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मीडिया कर्मियों को हालांकि ये कहा जा रहा है कि गेट पर ही रोक दिया गया है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दो प्रिजन वैन जिसमें हमलावरों को लेकर के पुलिस की टीम पहुंची है प्रतापगढ़। वहां पर मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, गेट पर ही उनको रोक दिया गया। लेकिन सुरक्षा कितनी कड़ी वहां पर की गई है वो आप देख पा रहे हैं। प्रिजन वैन जिसमें हमलावरों को लाया गया उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा मामले में पुलिस का बयान सामने आ गया है। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए। पुलिस ने कहा है सोशल मीडिया पर आरोप लगाया गया कि सपा के मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर उल्ला खान के प्रचार के दौरान का वीडियो है। जनसंपर्क के दौरान भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भीड़ में एक व्यक्ति पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप है। वीडियो अलीगढ़ के जमालपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है और इस वायरल वीडियो का जब पुलिस ने संज्ञान लिया तो उसने इस पूरे ही मामले को खारिज कर दिया और ये बताया गया कि वीडियो किसी आदिल खान प्रत्याशी के जनसंपर्क का है और इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए बल्कि आदिल खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इस पूरे के मामले में धारा 144 के उल्लंघन का मामला भी थाना क्वारसी में दर्ज किया गया है। पार्षद पद के प्रत्याशी आदिल खान द्वारा भीड़ इकट्ठा करके आदिल खान जिंदाबाद के नारा लगाए जाने के संबंध में वीडियो वायरल हुआ था। इसकी जांच कराकर जांचोपरांत धारा 144 आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में थाना क्वारसी पे संक्षिप्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी संबंध में कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए जाने संबंधी ट्वीट किया गया है जो कि भ्रामक है, जबकि भीड़ द्वारा आदिल खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अफवाह पर ध्यान न दें। बहराइच से बड़ी खबर है। बहराइच में होटल योर्स की तीसरी मंजिल पर आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये अपडेट और आग लगने के कारण अभी ये कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने 15 लोगों को होटल से रेस्क्यू कर लिया, लोगों की जान यहाँ पर बचा ली गई है। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस आग से लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ। होटल योर्स में आग लगी और आग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया लेकिन नुकसान भारी यहां पर हुआ है। तीसरी मंजिल होटल की जहां पर आग लगी। पुलिस ने जानकारी ये कि 15 लोग जो होटल में मौजूद थे सभी को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियां पहुंची और एक तस्वीर वो जब आग वहां पर लगी और दूसरी तस्वीर जब आग वहां पर बुझाई गई वो भी आप देख पा रहे हैं। बहराइच से खबर। होटल योर्स की तीसरी मंजिल में आग लगी। आग किस वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर है। दबंगों ने की सर्विस सेंटर चालक की पिटाई। ये कहा जा रहा है कि वहां पर युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। शिकायत के बाद भी अभी तक कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ से खबर। दबंगों ने सर्विस सेंटर चालक की पिटाई वहां पर की। खबर यह कि युवक पर लाठी डंडे वहां पर बरसाए गए, युवक पर हमला किया गया, उसको घायल कर दिया गया। शिकायत की गई है लेकिन शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे ही मामले में नहीं हुई है। चोट के निशान आप देख पा रहे हैं। लखनऊ से खबर है। दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं लखनऊ में समझिए आप। सर्विस सेंटर चालक की पिटाई यहां पर की गई। लाठी डंडों से दबंग यहां पर लेकर के आते हैं और इस तरीके से चालक की पिटाई कर दी जाती है। शिकायत की गई है पूरे मामले में लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है।
दबंगों ने सर्विस सेंटर चालक को पीटा, युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया, युवक घायल है, पुलिस से शिकायत की गई है पूरे ही मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब आइए सीधे आपको ले चले विनेश फोगाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, क्या कुछ वो कह रही है आपको सुनवाते हैं। देश का नाम रोशन करता है, अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज़ जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, उस पर वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे, ढाई महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि ढाई तीन महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट जीता है विनेश, लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल आया, कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया, हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम? हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत। विनेश भरोसा है आप पे कि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और दो महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की, कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, ढाई महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है और डिसीजन क्या लिया गया? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। हर चीज़ के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या भरतभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, पेपर चल रहा था, हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। विनेश, एक मिनट, विनेश आएगा क्या विक्टिम जिसने किया उसमें से कोई आएगा क्या आप लोगों को? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है, ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश, आपने जब धरना, जब आप लोग आए थे दो महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक रिजोल्यूशन नहीं जाएंगे, बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं वर्ल्ड, तो इससे एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है? हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज़ को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं, हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला है। कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दाव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आने वाले आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान हैं उनका जीवन हम दाव मतलब ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। विनेश, सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगाया जी उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। विनेश, वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं, तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तुलने में दिखाएंगे। विनेश, आपने सात लड़कियों का नाम, ये एक माइनर है,
क्या आप बता सकती हैं कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं, बड़े नाम है, छोटे नाम है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे, उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक परिवार है, आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी फिर भूषण के साथ है। कुश्ती का परिवार? कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना, उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे, पूरा देश देखे तो सही। जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता, उसको भी सरकार ने प्रभावित किया है? देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है, बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे, आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है दिनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है, वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले, जो हमारे साथ में गलत हुआ है वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। क्या कमेटी उनकी बात सुन रही है? अगर आपकी बात हुई है तो क्या कमेटी बात सुन रही है उनकी? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या वो क्या कह रहे हैं विक्टिम, क्या कह रहे हैं, क्या आपकी बात हुई है सर? उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दिया है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है SHO साहब को दे दिया, तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट, उन्होंने तो अपनी कंप्लेंट दी। मतलब इसका मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है, जो काम है, उससे असंतुष्ट हैं वो लोग, इसीलिए पुलिस में गए? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं, तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में? वो तो आप मंत्रालय या कमेटी पता ही नहीं था कि धरना हो रहा है, जो पिछले साल आपके साथ थे, पिछली बार जो आपके साथ थे, ऐसा क्या? जिस दिन पहले दिन आए थे हम, पहले भी आए थे तो हम 8-10 लोग ही आए थे, तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो, हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए, लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से सारे देशवासी, जितने भी खिलाड़ी हैं, मीडिया कर्मी हैं, देशवासी हैं, हम सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। हमारी डिमांड कोई भी नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि कुश्ती सेफ हाथों में जाए, अच्छे लोग कुश्ती में आए जो देश की कुश्ती को आगे बढ़ाए, ना कि उसमें बाहुबली बदमाश और लड़कियों को जो परेशान करने वाले लोग इसमें आए। ये केस के बारे में क्या? केस के बारे में हम मैडम बताया तो है कि भाई हमने FIR के लिए कंप्लेंट दी है। 48 घंटे हो गए जी, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है, 48 घंटे से FIR दर्ज नहीं हो रही है, हमें जंतर मंतर पे बैठने की भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है, हम बैठे हैं, पुलिस अभी भी हमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं दे रही है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि देश की जनता से हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए, उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाए। FIR लॉन्च होने के बाद में जब तक उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इधर ही बैठेंगे जी। बजरंग भाई, बबीता फोगाट पिछली बार आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी, वो ओवरसाइट कमेटी का की मेंबर भी हैं, वो आप लोगों के परिवार से भी हैं, उनके बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया जो आप आरोप लगा रहे हैं, बबीता फोगाट को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी और वो ओवरसाइट कमेटी में भी थी। देखिए, हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी, अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी क्योंकि भाई कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है, क्या किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है, और हमने तो ये भी बोला क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहे हैं अपने हिसाब से, सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में, और हम कमेटी से बात करते तो बोला कमेटी कर रही है सब कुछ।
क्योंकि बुलंदशहर से बड़ी खबर है, कोल्ड स्टोर में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। मजदूरों के परिजनों ने कोल्ड स्टोर पर हंगामा किया, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं 3 मजदूर जिनको निकालने के लिए वहां पर काम हो रहा है। इसी बीच में परिजन वापस पहुंचे और हंगामा किया, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा जा रहा है। मलबे में अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।